I have just woke up, so let's get dressed for Vaishno Devi Mandir. So, हाँ जी भाइयों से 25 किलोमीटर की दूरी पे है. बिल्कुल. ऊपर हम इतना करीब आपको वापस देना पड़ेगा. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want. हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर. और बहुत टाइम बाद ब्लॉग शुरू हो चुका है तो अच्छा लग रहा है. हम आए हैं तो ये है हमारे डैडी के भाई और चाची के पति. तो आगे की कहानी ये सुनाएंगे. तो दूरी पे है. बिल्कुल. यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आए हैं. वैष्णो देवी माता का मंदिर है. बहुत ही अच्छा मंदिर है. ये वाला यूट्यूब पे डालना चाहिए और सब जगह लाइक और शेयर करें. बिल्कुल. इसमें तो पक्का आएंगे. अच्छा खासा इंट्रोडक्शन तो मिल गया. हमने ट्राई किया गाड़ी को यहाँ से अनलॉक करने का और वो खुल भी गई. ग्रेट. कुछ कहना चाहोगे? वेरी नाइस. कुछ और कहना चाहोगे? मजा आ रहा आज. किसी को मैसेज? नहीं, किसी को मैसेज नहीं भेजना. किसी को कन्या राशि मैसेज? कन्या राशि नहीं है, किसी राशि है. ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को पता नहीं है. वैसे पीपे कौन से आती है? कन्या राशि. पीपे कन्या राशि. जल्दी 6 नवंबर का भी आएगा. पिघल जाती है. चलत चीज है. तो मेरे ख्याल से अंदर शूटिंग बंद होगी. तो देखते हैं बात की बात. जय. ये पत्थर नेचुरल जो रखा पर ये बिल्कुल नेचुरल बना है. बहुत ही आकर प्रसन्नचित और प्रफुल्लित हो गए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को. हम सब पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पे वैष्णो देवी जो नाथद्वारा से 35 किलोमीटर दूर है वहाँ पर घूमने के लिए आए हैं. और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सब जनों को. और ठीक है, आगे की कहानी जय बताएगा. मेरे चाची को टूर गाइड बनना चाहिए. और अगर किसी को और अच्छा घूमना हो तो शिमुल से लेना. और वहाँ खाना भी अच्छा मिलता है. जलसा रेस्टोरेंट. बिल्कुल. और यहाँ से 8-5 किलोमीटर की दूरी पे कैलाशपुरी मंदिर है. बहुत भी बहुत ही अच्छा मंदिर है. वहाँ पे भी जाना चाहिए आपको देखने के लिए. आगे मिर्ची वड़े भी खा सकते हैं. हाँ, मिर्ची वड़े वहाँ के फेमस है. बहुत ही अच्छे. तो यहाँ सब लोग घर बनाते हैं. भैया कैसा बन रहा है घर? पक्का अच्छा बन रहा है? बड़ा बना रहा है? कितना बड़ा बनाएगा? कौन कौन रहेगा इसमें? पापा मम्मी और कौन कौन रहेगा इसमें? अरे क्या नाम है तेरा? अनुराग. आगे? वाह यार अनुराग, बहुत अच्छा घर बना रहा है. बनाता रहे. मम्मा आया कर रही है. इधर उधर नहीं कर रहा है. किसी 12 ज्योतिर्लिंग है. सारे के सारे जो यहाँ पे आए हैं. बांधिया सीट का बांधना है. तो 70 में आए हम लोग. ऋषभ बिफोर आफ्टर करेंगे हम लोग. ओके, तो आफ्टर शो विल लाइटें बंद करो. अनाउंसमेंट कर दो एक बार. लाइट्स ऑफ. लेट्स सी. आफ्टर शो तो देख लिया है बट ठीक ही था. वो 70 है ना, तो 12D लिखा हुआ है बट 12D इतना वाइबिंग तो नहीं था. 12D तो एक्चुअली मेरे को ज़्यादा पता है 12D कुछ नहीं होता है, 70 होता है. और 70 काफ़ी अच्छा होता है. स्क्रीन क्वालिटी, इसकी स्क्रीन क्वालिटी अच्छी नहीं थी. हाँ, मोशन ग्राफिक की सब अच्छी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो सब बढ़िया था. हाँ, और एक और चीज़ है, 60 रुपये में आपको इतनी मस्त चीज़ मिल रही है तो क्यों नहीं लोगे भाई? एकदम परफेक्ट है. क्योंकि 70 की प्राइसिंग बहुत हाई होती है नॉर्मली टू. आराम से 550 या 350 होते ही प्राइस 350-550 के आसपास. और ये 60 में दे रहे तो क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? अच्छे. वर्थ इट था. और बाकी मज़े तो चल ही रहे हैं. ब्लॉग में थोड़ी बहुत टाइम पास भी चलता है. बहुत टाइम हो गया ना मेरे को, समझिए. बहुत टाइम हो गया मैं ब्लॉग नहीं किया है.
तो अभी मैं आदत डाल रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग की. मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता. मैं बस सोच लिया था आज तो ब्लॉग करना ही है. चैनल में बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यू हो रखा हूँ मैं तो. पता ना कमेंट सेक्शन कमेंट पर करा करो एकदम. तो भर भर के कमेंट करो पहले. कुछ भी लिखो, हाय लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस कमेंट करो और बताना व्लॉग कैसा लगने वाला है. तो कंटिन्यू रखते हैं मजे अपने. जब हम आओ जो ऋषभ आओ जो